20 अगस्त राजीव जी के जन्म जयंती का दिन है। इस दिन पूरे देश में समस्त कांग्रेस जन और आम जनता उनको स्मरण करती है, श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। मैं भी उन्हें सादर नमन करता हूं। राजीव गांधी जी हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और बहुत कम समय उनको प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने कम समय में अमिट छाप इस देश में छोड़ा और लोगों के मन में अपना स्थान बनाया। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम उन्होंने किए, जैसे भारत में दूर संचार क्रांति राजीव जी का देन है, और 1984 में भारतीय दूर संचार नेटवर्क की स्थापना हुई, और इस पहल से गांव-गांव में पीसीओ लगना शुरू हुआ। गांव के लोग सीधे पूरे देश में कहीं भी बात करने लगे, देश दुनिया से जुड़ने लगे। MTNL की स्थापना भी 1986 में राजीव जी के नेतृत्व में कार्यकाल में हुआ। बड़ा एक काम उन्होंने किया, 18 वर्ष के नौजवानों को मताधिकार दिया कि वो युवा इस देश के दिशा में क्या सोचता है। 18 वर्ष की उम्र में मतदान मताधिकार का उन्होंने किया। कंप्यूटर, जिसे पहले लोग हंसते थे, आज कंप्यूटर क्रांति जो है राजीव जी की देन। कंप्यूटर पूरे देश में उनसे आज काम होने लगा है। पंचायती राज संस्था सबसे बड़ा उनका देन है। उनका सोच था कि हम पंचायतों को, गांव को मजबूत करें, अपने विकास की योजना पंचायत में वही बनाया जाए, राशि उपलब्धता हो। तो ये इतने बड़े बड़े काम उन्होंने कम समय में किए और जनमानस में अपनी छवि अंकित की। 20 अगस्त को हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उनके जन्म जयंती के अवसर पर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक योजना जो लागू की गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसका दूसरा किस्त 1500 करोड़ रुपया उस दिन जारी किया जाएगा और किसानों के 19 लाख किसान के खाते में सीधे राशि राजीव जी के इस जन्म जयंती के अवसर पर हम सुलभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी चीज हमारे सरकार की ओर से है। तो आज उस महान जननायक युवा हृदय सम्राट हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी को मैं नमन करता हूँ।